हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर डेट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 3। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 3 है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज रुपी 5120 एंड इट्स वैल्यू डिप्रेसिएटेड एट 12.5% एवरी ईयर, फाइंड इट्स वैल्यू यू आफ्टर 2 ईयर। हमें कह रहा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5120, रेट दे रखा है 12.5%, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वर्ड डिप्रिशिएटेड। जब डिप्रिशिएटेड का मतलब होता है गिरना, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस घटती है ना, उसे बोलते हैं डिप्रिशिएशन। हाँ, तो पेट्रोल का डिप्रिशिएशन हो रहा है, यानी कि प्राइस घट रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का, पी 1 - R/100 की पावर टी। नॉर्मल में यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ माइनस होता है, मतलब जब डिप्रिशिएशन होता है तो माइनस हो जाता है। तो आप सबकी वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू है 5120, हाँ 1 - R की वैल्यू है 12.5/100 की पावर टी, टी है 2, ये पॉइंट यहाँ से हटा तो यहाँ 0 आया। अब 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 100, 5 × 25 = 0, 5 × 5 = 5, 8 × 1 कैल्शियम, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। 8 × 1 कैल्शियम कितना होता है, एक मिनट पहले हम ये लिख लेते हैं, सॉरी ये है 55120, हाँ 120 ये लिखा है। अब ये 1 और 8 कैल्शियम कितना होगा, 8 × 1 = 8 माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ अब 8 - 1 कितना होता है, 7/8 का स्क्वायर, और ये 5100 एज इट इज, हाँ अब ये 5120 एज इट इज, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 × 5 = 2 और 0, यानी कि 80 × 49 कितना होता है, 3920, ये हमारा आंसर हो गया। 4 है, इन अ सिटी द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज फ्रॉम 1 lakh to 1 lakh 31,100 इन 3 ईयर्स, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। हमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1 lakh, हाँ 1 lakh दे रखा है हमें प्रिंसिपल, हमें अमाउंट दे रखा है 1 lakh 33,100 और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, हमें रेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, पी 1 + R/100 की पावर टी। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 की वैल्यू अमाउंट की वैल्यू है इतना, हाँ प्रिंसिपल की वैल्यू है 1 lakh और 1 + रेट हमें पता नहीं, 100 और टी की वैल्यू है 3, ये इसके यहाँ जाएगा 0 से 0 और 0 से 0 कटा। अब ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो गया 1331 यहाँ 3 0 होना चाहिए ना, हाँ तो 1000 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 100 upon 100, देखो इन दोनों कैल्शियम 100 है ना, 100 × 100 + R³। अब यहाँ देखो ये हो गया 100 का क्यूब और ये 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का, और 10 का क्यूब होता है 1000, तो ये हो गया 11/3 का क्यूब इक्वल्स टू 100 + R/100 का क्यूब। हाँ अब देखो जब पावर सेम होता है ना, जैसे ये यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, तो और इक्वल में होता है तो बेस भी सेम हो जाता है, सो ये हो गया 11/10 इक्वल्स टू 100 + R/100। अब ये 0 से 0 कट गया, तो ये 10 इस साइड जाके कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो 10 × 11 = 110 इक्वल्स टू 100 + R। वो आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ तो देखो ये जो ये 10 है ना, इस साइड गया तो 10 × 11 = 110 और ये 100 + R एज इट इज, अभी 100 इस साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा 110 - 100 इक्वल्स टू R, तो R कितना आ गया, ये हो गया 10, तो हमारे R के वैल्यू आ गया 10%, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।